बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सेशन की ओर, जो अति महत्वपूर्ण सेशन है। आपको बताऊं कि एक वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट है, उसका नाम है ग्लोबल फायर पावर। और ग्लोबल फायर पावर ने अभी हाल में भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना का दर्जा दिया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद उसके अनुसार भारत का ही नंबर है और भारत चौथे स्थान पर पूरी दुनिया में है। भारत किस प्रकार बदल रहा है रक्षा के क्षेत्र में, क्या कुछ नया हो रहा है भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के क्षेत्रों में, कैसे हमारी सशस्त्र सेनाएं, जिस पर बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकार खर्च करती है ताकि देश की सरहदें सुरक्षित रहें, किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर हम लगातार आगे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, कैसे हम स्वदेशी की ओर वापस लौट रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो पहले बहुत कुछ हम आयात किया करते थे उसमें अब कमी आने की संभावना है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन है उसके तहत लगातार काम हो रहा है। तो हमारे तीन महानुभाव जो इस समय हमारे साथ, हम सौभाग्यशाली हैं यहाँ पर सभागार में उपस्थित हैं, वो तीनों यहाँ पर हैं। इन्होंने अपनी अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है जब ये तीनों सेना में हुआ करते थे। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ मंच पर बुला रहा हूँ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का। आपने इनको अक्सर टेलीविजन चैनल्स पर देखा होगा, जोश से भरी हुई इनकी बातें, जज्बा इनके चेहरे पर, इनकी वाणी पर दिखता है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं कृपया मंच पर पधारें मेजर जनरल सजीव जेतली। मेजर जनरल सजीव जेतली ने भारतीय थल सेना में लंबी सेवाएं दी हैं, अनेक अलंकरणों से विभूषित हैं और आज मंच पर मन सज रहा है, वो पधार रहे हैं मेजर जनरल सजीव जेतली। इसी के साथ मैं मंच पर बुला रहा हूं मेजर जनरल एस के सिंह साहब, कृपया आप भी मंच पर पधारें। मेजर जनरल एस के सिंह, आप तीनों महानुभाव मंच पर पधारें और मैं अनुरोध करूंगा प्रणव प्रखर से अपनी प्रखरता के साथ प्रणव जी एक बार फिर से मुखातिब हों और इन तीनों महानुभावों से बात करने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्रणव प्रखर जी का। और इसके पहले कि ये सेशन शुरू हो, मैं अनुरोध करूंगा सत्येंद्र त्यागी जी से, कृपया तीनों हमारे जो इस विशिष्ट अतिथि हैं उनको अंग वस्त्र से विभूषित करें। सनातन परंपरा के अनुसार अंग वस्त्र देना किसी को सम्मान देने के सम्मान होता है। कृपया सत्येंद्र त्यागी जी तीनों महानुभावों को अंग वस्त्र से सम्मानित करें। अरविंद सिंह तोमर जी सम्मानित कर रहे हैं। त्यागी और तोमर में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए आप स्वागत करें तीनों महानुभावों का। मित्रों, मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं कि मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम, मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम, नाड़ियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम, खंजरे कातिल भले ही कत्ल कर देना हमें, चीख भी निकलेगी तो निकलेगी वंदे मातरम। कुछ इसी जज्बे के साथ लबरेज ये सेशन हमारा सत्र होने वाला है। तीन ऐसी विभूतियां मंच पर हैं जिन्होंने पूरे देश में, सरहदों पर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों चारों ओर जाकर अपनी सेवाएं दी हैं और उनकी जो अदम्य साहस और उनकी सेवा है उसके लिए भारत सरकार ने उनको अनेक बार विभूषित भी किया है। विजन टीवी वर्ल्ड भाग्यशाली है ऐसे महानुभावों को आज अपने मंच पर पाकर और उनका सम्मान कर हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। वास्तव में असलियत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया प्रणव प्रखर सेशन का प्रारंभ। And it is also important because our defense is what saves us, who are our nerve center. That is how I look it at.
Let me ask the all the three gentlemen what we can do is we'll put some questions and we can take a couple of rounds of it, I think, if that is okay. मैं आपसे इसलिए आगाज करना चाह रहा हूँ क्योंकि the one big important thing that everybody is talking about, sir, is that war अब ज़मीन पे नहीं आसमां पे है. War अब ज़मीन से नहीं आसमां से लड़ी जाएगी. Satellites are the one whether it could act as a window or spy, but again satellites are the one which needs to be destroyed. ये negative connotation लगता होगा लेकिन इसके पीछे जो strategy होनी चाहिए. Where do you see Indian space mission और Indian space के बारे में जो defense से related चीज़ें हैं, where do you see, how prepared are we with vis-a-vis a northern neighbor or the western neighbor or around the world, where are we? No doubt we are progressing in lot of space and satellite work that needs to be done, and the government is working and put so much of money. What is your observation, sir? Bahut bahut dhanyawad aapke is manch par hame aamantrit karne ke liye. Hamara saubhagya hai ki hum aaj aapke beech hain aur apne विचार आपके बीच रख पा रहे हैं. आपने बहुत अच्छा, एक्चुअली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्यूचर वॉर को अगर देखा जाए, और आपने मेंशन भी किया है कि स्पेस में होगा, यानी कि जो स्पेस वॉर जो होगी अब उसका ज़माना है. इसका एक छोटा नमूना, एक तरीके से जब अमेरिका ने गल्फ वॉर, अगर आपको ध्यान में हो तो वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर हुआ था, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कभी इस टाइप का हाईटेक वॉर हुआ. तो आने वाली जो अब जो युद्ध होंगे वो बेसिकली हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे, स्पेस ओरिएंटेड होंगे. आपने सैटेलाइट की बात करी, सैटेलाइट में अब हमें कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सैटेलाइट जो है हर चीज़ को अब कंट्रोल करेगी. तो एंटी सैटेलाइट हमारे पास, भारत पर, भारत के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उनको हम तबाह कर सकें. और साथ ही एयर जो स्पेस है इसको यूज़ करने वाले बहुत लोग हैं. सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट है एयर पावर जो है फ्यूचर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है. और मैं एयर पावर इस तरीके से लड़ाई नहीं होगी जैसा कि अभी रशिया यूक्रेन में हुआ है कि लिया और आर्मी को आगे भेज दिया, ऐसा नहीं होगा जैसा कि गल्फ वॉर में हुआ था. तकरीबन उसी टाइप से है कि पहले हमें पूरा रण क्षेत्र को अपने मुताबिक के हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा, जिससे कि जब हमारी जब सेना आगे जाए तो उसको बहुत कम रेजिस्टेंस मिले, हमारी कैजुअल्टीज़ कम हो, और हम जल्द से जल्द पूरी दुश्मन की जो भी चौकियां हैं, जो भी उनके इलाके हैं, उनको कैप्चर कर सकें. तो एयर पावर जो भी, जब भी युद्ध होगा, ये सबसे पहले सैटेलाइट, साइबर वॉरफेयर और जितने भी हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स हैं, जैसे कि अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, UCAV आपने सुना होगा, प्रीडेटर अभी समझौता हुआ है अमेरिका के साथ, तो वो हम लोग एक्वायर करने जा रहे हैं. तो ये जो है वेपन सिस्टम्स, वेपन प्लेटफॉर्म्स, ये हवा के ज़रिए बहुत ऊंची स्तर पर ऑपरेट करते हुए दुश्मनों के जितने ठिकाने हैं, उनके एमनिशन डिपोज हैं, फ्यूल डिपोज हैं, उनके एयरफील्ड्स हैं, और तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तमाम जमाने की चीज़ें होती हैं, उनको तबाह करने के लिए बिल्कुल प्रसीजन एमनिशन के ज़रिए उनको तबाह किया जाएगा. अब ज़माना उसका है. दूसरा, साथ ही इस एयर स्पेस को यूज़ करने के लिए ड्रोन्स आ रहे हैं. आपने माननीय मंत्री जी के टॉक में भी इस चीज़ का मेंशन किया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, खासतौर पे जो फ्यूचर वेपन्स जो आने वाले हैं अपनी डिफेंस फोर्सेस में, और जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये बिल्कुल एक चमत्कार की तरह काम करेगी. अब सारा एम्फेसिस, देखिए ड्रोन सस्ते में एक तो मिलता है, हाई टेक्नोलॉजी है, और बड़ी आसानी से इसको बिना नोटिस किए दुश्मन के इलाके में भेजा जा सकता है, आपके सर्विलेंस किया जा सकती है, उस पर बर्बाद किसी को टारगेट को करना है तो वो भी किया जा सकता है.
तो ये टोटल वॉरफेयर जो है, जितना लड़ाई का जो तरीका है, एक्चुअली ये सब चेंज होने जा रहा है और चेंज हो भी चुका है। सभी देश उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत भी उस दिशा में काफ़ी अग्रसर है। और जो भी बदलाव आप जो देखेंगे पिछले 6-7 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वो उसी की तरफ जो है, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। Sir, one pertinent question that comes to mind is, how long will it take for Predator to be deployed? This is important, not only because how the time lag that will be there, the whole system that has to come, and the whole paraphernalia that needs to be in place. What is your realistic observation on that? जहाँ तक प्रेडेटर की बात है, प्रेडेटर एक बहुत ही घातक वेपन सिस्टम है, वेपन प्लेटफॉर्म है। UCAV की जो मैं बात कर रहा था, ये उसी के अंतर्गत आता है। और अभी इसको 31 प्रेडेटर जो है अभी हम खरीद रहे हैं, इनको आने में भी अभी 3-4 वर्ष तकरीबन लग जाएंगे। और इनको ऑपरेट करना और इनकी ट्रेनिंग, और साथ में इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है जो पहली बार हुई है इतिहास में, कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। अमेरिका ने कभी भी किसी को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होने दिया, लेकिन इस बार जो मोदी जी के साथ जो भी समझौता हुआ, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। चाहे वो G414 वो इंजन की बात हो, चाहे ये प्रेडेटर्स की इसकी बात हो, और चाहे आने वाले जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारत में बनेंगे आत्मनिर्भर भारत के थ्रू। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो भी चीज़ें बन रही हैं, इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, अभी शुरुआत है, 2-3 साल ही हुए हैं। और किसी भी चीज़ को लाइनअप पूरा करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, इन सब में तकरीबन 8-10 साल लगेंगे। तो अगर आप इसी वजह से प्रेडेटर्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि ये जो गैप है, ये कैपेबिलिटी हमारे पास आए, और उसके बाद 3-4 साल और आने वाले, और आप 4-5 साल और जोड़िए, यानी कि इस दशक के अंत तक आप देखेंगे कि भारत में खुद मैन्युफैक्चर होगा यही प्रेडेटर, और ये काफ़ी घातक रहेगा, और ख़ास तौर पर चाइना के खिलाफ। यस, एनी टेक्नोलॉजी दैट कम्स एंड इफ इट इज इंडिजनाइजेशन और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस, इट इज ऑल्सो लीडिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू बी डेवलप न्यू। जैसे हमने देखा कि दिल्ली में मेट्रो हुआ, तो आज इतने 100 शहरों में मेट्रो का इंडिजनाइजेशन हुआ, कॉस्ट हैज कम डाउन सब्सटैंशियली। समबडी सेज, सम क्रिटिक्स से 40%, 30% कॉस्ट कम हुआ या 50% कॉस्ट कम हुआ। नेचुरली व्हेन प्रेडेटर आर डिप्लॉयड, इट विल ब्रिंग लॉट मेनी मोर हाई एंड प्रिसिशन टेक्नोलॉजी टू इंडिया। थैंक यू सर, लेट्स मूव टू, हमने स्पेस के बारे में बात की ना, अब डोमेस्टिक को जानना उतना ही है। हम यदि अंदर से मजबूत नहीं हैं, तो शायद हिंदुस्तान मजबूत कैसे होगा? काउंटर इंसर्जेंसी इज अ इशू, नक्सलाइट इज एन इशू, एंड आई एम वेरी 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 प्रिविलेज टू हैव जनरल जेटली विथ अस। सर, आई नो यू आर नॉट बीन कीपिंग वेल, यू आर टेकिंग रेस्ट, एंड I have motivated you to come to this program today. It is important because why I feel ek samay sir 140 district Hindustan ke ya usse 145 district Hindustan ke jab Modi ji aaye the apne pehle karyakal mein, Hindustan nexlite movement se jooj raha tha. Aur ye choti baat nahi hai, Hindustan ko log, उस वक्त मुझे भी याद है सर, सब लोग हतोत्साहित थे, सब लोग कह रहे थे कि क्या हिंदुस्तान बिखर जाएगा, क्या हम आज के पाकिस्तान को जो हम देख पा रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान 9 साल पहले ऐसी सिचुएशन थी? यू हैव चेंज दैट, यू हैव चेंज ज्योग्राफी, यू हैव केप्ट द इंडिया इंटैक्ट। वी आर एवर एवर सो थैंकफुल टू यू सर। गिव अस सम इंकलिंग अबाउट हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ वॉज दैट मेड पॉसिबल, बिकॉज आई नो एक इंसिडेंट यदि 6 महीने में हो जाता है कोई नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट में, तो वो काउंटर एड हो जाता है। इट इज अ चैलेंज, इट हैज बीन अ चैलेंज, बट सर हैट्स ऑफ टू यू, योर लीडरशिप एंड योर टीम एंड द पीपल हु हैव वर्क्ड विद यू टायरलेसली, हाउ डिड यू मोटिवेट देम? वी वॉन्ट टू हियर दैट फ्रॉम यू सर। थैंक यू। एक्चुअली यू नो समटाइम इन अबाउट 2000
slightly more than 2,000. So 172 districts. So there were 172 districts which were under Naxalite or such areas. फिर जब मोदी जी आए इन्होंने काफ़ी शोर मचाया कि हम ए बी सी डी करेंगे एंड दे वेंट इन टू लॉट ऑफ डिटेल्स. सो 2014 से टिल नाउ वॉट हैपन्ड वॉज कि इन्होंने नॉट ओनली द नक्सलाइट्स बट दे वेंट आफ्टर द एजुकेटेड लॉट ऑल्सो हु वर नॉट इन टू द रैंक एंड फाइल बट दे वर इन बिग सिटीज. सो some of them were they were providing oxygen, if you want to use the word, right? Yes. They were providing oxygen, they were giving a lot of support, they were giving a lot of other, you know, NGOs, a lot of NGOs were being, you know, given money with them. So unhone kya kiya ki in sab ke piche pad gaye wo. And secondly, they unleashed a lot of you can say commandos, matlab they wanted army also to go in. Army refused because we were doing our own internal thing. I did a seminar which was done in Nainital, jisme is pe pura humne zor deke we did a lot of 2 days seminar was there and we did a lot of work on that. To uske baad the same idea was given to police. Police went into, you know, commandos. They got a lot of other stories. एंड हमारे भी कुछ इंस्ट्रक्टर्स गए उधर, उनको ट्रेन किया एंड दे रियली अनलीस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड विद इन 8 or 9 years नाउ दे आर रिड्यूस्ड टू अबाउट 50 यूनिट्स जहाँ पर ये भी है. और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि ये काफ़ी देर तक चलेगा. और इसके साथ साथ इन्होंने ये जो 5-6 स्टेट्स थी जिसमें ये रेड कॉरिडोर फ्रॉम आता था फ्रॉम चाइना टू नेपाल टू बांग्लादेश टू मतलब टिल बांग्लादेश पूरा बीच में से ऊपर तक और देन इट इज गो टू आंध्रा. तो ये सारे चीज़ों में इन्होंने क्लोज करके उसको काफ़ी क्लोज कर दिया. सो दिस इज द एक्चुअल थिंग विच इज हैपन्ड. तो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली. आई थिंक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच वॉज वॉट वॉज रिक्वायर्ड. टफ हैंड stopping the oxygen of money and at the same time giving opportunity to people. Aur shayad sarkar ye sarkar isliye bhi jani jaye kyunki ye teeno kaam modi sarkar mein hua. Hum patrakar hain lekin iska matlab ye nahi ki hum deshbhakt nahi hain ki hum criticize kare, lekin humne dekha hai sir. Now I mean 172 districts of India or units what you say, कितने यूनिट टोटल हैं हिंदुस्तान में सर? हाँ वो यू कैन ऑलवेज से ऑलमोस्ट 1/3 इज वेयर वी वेर इन्फेस्टेड विद एंड नक्सलाइट. सो आप समझ सकते हैं ऑडियंस को ये समझ आनी चाहिए कि कितना बड़ा काम हुआ है देश को बचाने के लिए. और ये समझिए कि कितने पैसे बचाए गए, कितनी शहादतें हुई. सर ने सही कहा कि आर्मी डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग was always always at the forefront. And I think you made boys, you made men out of the boys of the our paramilitary forces. Yes, you are right. We made lot of men out of boys because unki training hi nahi thi puri. To jab hum log ne unko train kiya to they learned all their, you know, tricks. Abhi kya hota hai, kuch log hote hain jo net trained hote hain, they are going up and down, they get ambushed and there something happens, but we trained them a lot. काफी काम किया. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वेयर वर यू ऑन दैट डे व्हेन 370 वाज टेकन अवे? वेयर वर यू ऑन दैट डे व्हेन गवर्नमेंट सेड व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, अब फिजा बदलेगी? टेल अस अबाउट दैट बिकॉज वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, अगेन डबली प्राउड ऑफ यू. आपने देश के अंदर का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किया बट प्लानिंग नहीं की, बट इससे ज़्यादा बढ़ करके आप काउंटर इंसर्जेंसी पे भी जो आपने योगदान दिया है, वी आर एवर सो इंडेप्टेड टू यू. मैंने ये संदर्भ इसलिए कहा कि दैट वॉज अ रेड लेटर डे व्हेन इट हैपन. व्हाट गेव यू, व्हाट वॉज योर द फीलिंग इन योर हार्ट? बिकॉज नोबडी न्यू व्हेन मोदी जी सेज समथिंग, नोबडी अंडरस्टैंड, बट व्हेन इट हैपन्स देन दे रियलाइज द ग्रेविटी, दे रियलाइज द प्राउडनेस एंड दे रियलाइज वेयर वी आर हेडिंग. Give us some inference instances because छोटी छोटी बातें important होती हैं सर.
actually, you know, counterinsurgency is such a thing ki, you know, once you are deployed in that area, so I'm just saying, talking about Kashmir. So if you are in Kashmir, so every day, right, from the morning till next the morning, the same time, 24 hours is a full cycle. And full cycle mein, matlab agar aap so gaye kuch thode der ke liye, you go to sleep and if you are sleeping, you will find some firing, you will know kahan fire ho raha and you will address that chap. But aise jo aap bata rahe ho cases, bahut sare cases hain. I have spent 9 years in JNK counter insurgency. 9 is a very big 2 years, you can say 4 such tenures there. So I have got lots of problems which I can share, but ye gathering is not correct. But phir bhi dekhiye, aisa hota hai ki agar I was a commanding officer there, I had about 1,000 men with me. Every man was I will say intelligent, he was trained, he was a killer, he would kill anybody if he feels ki he's being attacked or the unit is being attacked. And he will go to any amount of you know, ill feeling which everybody thinks isko marna hai, wo nahi marne dega, because he is well trained. He will fight, he will save his brother, usko uthayega, isko uthayega, and they will all do. So is type ke mere paas bahut sare incidents hain wherein we have got like you were saying ki bhai abhi isko marna hai, isko karna hai. To aise to there are so many things I can tell you. But ये एक चीज़ है कि आई हैव डन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो. नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने 3 साल निकाले हैं, वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम हुई है. बट यस, ऑल दिस थिंग्स इफ़ यू रियली पुट इन टू टूडेज, मैं आपका जो है 47 में क्या होगा, दिस विल ऑल चेंज, बिकॉज इट कैन नॉट बी लाइक आपने दूरबीन से देखा कोई आ रहा है नहीं आ रहा, तो आज कोई नहीं आ रहा. ऐसे नहीं होगा, देर बी अ फुल पोज, देर बी अ यू नो कंप्यूटर्स विद नंबर ऑफ क्वांटम, ये थ्योरी वो थ्योरी सब लगा के, इट विल बी मच मोर इजियर टू गेट होल्ड ऑफ देम रादर देन गोइंग टू व्हाट वी आर डूइंग नाउ. सो दैट विल चेंज इन नेक्स्ट 25 इयर्स. आई डोंट थिंक पीपल विल बी रनिंग अराउंड लाइक वी वर रनिंग अराउंड, वी वर लिटरली आफ्टर देम. बट वो उनको पूरा पता होगा कि क्या होने वाला, and they will you know target such people, the you know resources, there will be so many things which will come in, wo usko pakadenge zarur. Agar aap permit kare, kyunki aapne 370 ki baat kari ki, jab se 370 aaya aur pehle aur ab mein meri bhi kafi naukri rahi hai Jammu Kashmir mein. In fact har 5th saal par meri posting wahan par aati rahi hai sun 1989 se hi, 1989 onwards. तो हमने वो माहौल देखा है कि किस तरीके से उतार भी देखा है, जो टेररिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, मिलिटेंट जिस तरीके से ऑपरेट करते थे. देखिए, जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, कोई भी चाहे वो नक्सलवादी हो चाहे जो, जब तक कि लोकल सपोर्ट नहीं होगा ये सर्वाइव नहीं कर सकती. ये सर्वाइव करती ही लोकल सपोर्ट के ऊपर है. और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है. वहाँ के जो युवा थे, वहाँ के जो यंग जनरेशन थी, उनके पास जॉब्स नहीं थे. सिर्फ जो भी कुछ आमदनी होती थी वो बेसिकली टूरिज्म के ऊपर होती थी. और जब से ये टूरिज्म चला, तब से वहाँ की जो एप्पल की जो प्रोडक्शन है, या लोकल जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट्स की थी, सब बंद हो गई थी. तो अब यूथ क्या करेगी? बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से वेपन्स आ रहे हैं पड़ोसी देश से, तो अब किसी को भी बोलना है, पत्थर मारना है या ग्रेनेड फेंकना है, बड़े आराम से फेंकेगा, क्योंकि उसको 1,000 रुपया दिया जाता है. अब चूंकि जब से ये 370 जब से ये हटा दिया गया, अब जो है माहौल में बिल्कुल परिवर्तन है. अब वहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बदलाव हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, नौकरियों के नए नए सोर्स ढूंढे जा रहे हैं, और जवान जो यूथ है वहाँ का, उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है, जिससे कि आइडल उनका माइंड नहीं रहेगा. और ख़ास तौर पे जो बहुत फ़र्क पड़ा है, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनका सपोर्ट अब काफ़ी आ रहा है.
और जितनी फंडिंग आपने फंडिंग की भी बात करी कि फंड्स जो हैं इनके जो टेररिज्म टेररिस्ट को आते थे बाहर से उस पर लगाम लगाई गई, तो ये माहौल तब में और अब में बहुत फर्क है। जस्ट वन क्वेश्चन टू बोथ द जनरल्स, व्हाट वाज योर फीलिंग ऑन दैट मोमेंट व्हेन यू हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 370 हैज गॉन? जस्ट ए सिंपल वेरी पर्सनल क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, आई थिंक यू विल एनरिच अस। नहीं, जब ये बिल पास हुआ था तब से हमें ये बहुत ही एक तरीके से हमारा जोश जो था, हमने लगा कि अब जो है बिल्कुल जम्मू कश्मीर बिल्कुल बदलेगा और वहाँ पे जिस तरीके की डेवलपमेंट और जिस तरीके की सुविधाएं पूरे भारत में हैं उसी तरीके की सुविधाएं वहाँ पर भी आएंगी और बिल्कुल डिफरेंट टोटल चेंज हो जाएगा। ही इज़ राइट वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से कि हमारे अंदर बहुत तगड़ा जोश था और इससे पहले थोड़ा सा इन्होंने पूछा था कि क्या होगा अगर 370 हटेगा, तो हम लोग ने भी अपना फीडबैक जो भी लोकल सा होता है वो हमने दिया था इनको कि कुछ नहीं होगा, अगर आप इसको हटाओगे इट विल बी गुड फॉर द कंट्री एंड मोदी वॉट एवर उनका थिंक टैंक होगा, नॉट जस्ट अस, देर विल बी सो मेनी मोर पीपल हु वुड हैव गिवन हिम अ फीडबैक, बट ही organized that thing and he gave this ruling and it made us a whole lot of good bold decision. I think you both general deserve to be really appreciated and you have spoken, taken a very personal question from me. Thank you. Now may I request Wing Commander Praful Bakshi ji to please add to this, because this is a very important topic when we move directly, because you are in the center, you are the center of attraction for this vision Amritkal Bharat 2047 Lucknow edition. I'm a very small man, I'm not a center of attraction. But मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ही अहम था, छत्तीसगढ़ की बात है या जो नक्सलाइट की और उस एरिया की बात है और कश्मीर की बात, बड़ी फ़र्क है। जब 370 हटा, 370 लाते हैं वो टेम्परेरी था, सबसे पहली तो ये बात है, तो मेरे मन में ये आया कि अभी तक हम सो क्यों रहे थे, कि ये इतनी देर क्यों लगी हमें जागने के लिए, फिर सडनली चीज़ें आनी शुरू हो गई। एक रोशनी एक्ट है, ये रोशनी एक्ट क्या है साहब? रोशनी एक्ट वो है कि कोई भी एक रिलीजन का तबका आदमी कोई भी 400 रुपए का ड्राफ्ट साइन करके वो किसी भी लैंड को अख्तियार कर सकता है। ये क्या गेम था और इतने साल चलता रहा, किसी ने मुंह नहीं खोला। तो मेरा सवाल ये उठता था कि हम मुंह क्यों नहीं खोलते, क्या कश्मीरी पंडितों की बात हो रही थी तो मुनी कोई खोलता, और अभी तक किसी को कोई FIR नहीं लॉन्च हुआ अभी तक। ये प्रॉब्लम जो है अभी तक मुझको असमंजस में डाल रही है। ये तो बात हुई, पर दूसरी बात ये है, जब ये नक्सलाइट का मामला है, नक्सलाइट बिल्कुल जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, हमारे दोनों जनरल्स ने बिल्कुल करेक्ट बोला, पर मैं ये बता दूं क्योंकि मैं भी उस एरिया में सर्व कर चुका हूं, मुझे ये पता है कि लोकल पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व्ड। प्लीज, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, बात यह है, और वो इन्वॉल्व होते थे इसीलिए उनके ऊपर पकड़ नहीं आती थी, यहां तक कि वो पुलिस को भी कंट्रोल करते थे। मैंने अटैक होते देखे, मैं कलाईकोंडा पे था, हम कई बार गए हैं वहां से पिकअप करवाने, मैंने ऑर्गेनाइज किए वहां से पिकअप। ये सारी जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम कश्मीर में अलग है, कश्मीर में होल नेशन वॉज सपोर्टिंग, बट यहां पे बात इंटरनल थी टोटल। ये जो है, और मुझको ये भी लग रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब ने कि कश्मीर चाइना से वेपन्स आ रहे हैं, वेपन्स क्यों नहीं आएंगे, बर्मा से वेपन्स आ रहे हैं क्यों नहीं आएंगे, अरे वो तो कह रहे हैं कि इतनी आसानी से वेपन हम दे सकते हैं, हम तो देंगे। ये सारी बात है, हमारी जो इंटरनल मशीनरी में अगर हम तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक मैं बड़े शोक के साथ कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से नहीं जाएगी। ये तो ही All the three gentlemen, why I thought about bringing Kashmir is because जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने और कश्मीर गए थे, उसके जब वो वापस कश्मीर से आए, उसके अगले दिन मैं गया था कश्मीर में एक स्टोरी करने के लिए, और वो स्टोरी सोशल कॉज स्टोरी था और पोस्ट PTSD among the kids. If I'm alive today, if you recall the dateline back, if you reflect the dateline back, me and my camera unit were at the round at the at the corner of a Dal Lake, where we were discussing and fighting that whether we should go and have our lunch
because we had just come from the airport, or we should go and do our filming at Dal Lake, because light was going down, because at that point of time, light used to come down very, it was close to winter, so light bahut niche ho rahi thi. And we were saved by just that discussion, and we heard next day, heard next few hours that grenade was thrown in a bus that came from a tourist bus from West Bengal, the tourists who were there from at the Dal Lake to see the place, and a grenade was thrown, and we were just rushed away, and that is how we saved our life. I don't know, my cameraman must be a brave man, because as a journalist we are used to accident. I mean, you are used to difficult coverages. But I was more worried about my cameraman and the driver. Another thing is that happened, we were hosted by the local hosts who were there. Phone हमारे पांच पांच से कोई फोन नहीं चलता था, और जब भी हम कहीं जाते थे टेलीफोन बूथ पे तो बालक एक होता था वो सुनने के लिए आता था. तो हमने ये बहुत जल्दी फिगर कर लिया कि what we are saying, it is getting very very nicely communicated to the needs and the people around. So we use our different strategy, and we just changed the strategy, and we found that we were in a safe hand. And the host who were hosting us, Habba Kadal ke piche wala line jo tha wahan pe, I mean, that is exact place is not important. What happened is Yasin Malik is living in one street, and the behind the street is the most secured place. I don't know how was that possible. So why I'm saying this instance today is all the three of you have reiterated what was happening, how some people were utilizing, abusing the power to gain, walking with blood in their hand. That is something very important. We are safe, and we all owe to all the effort that you all three must have put in. Wing Commander Bakshi Saab, where do you see two, three important questions? Where do you see, we are in Uttar Pradesh, डिफेंस कॉरिडोर का क्या औचित्य है, कितना बड़ा इसका मार्केट है, कितनी बड़ी नौकरियां यहां आएंगी, कितना बड़ा डेवलपमेंट है ये, क्योंकि लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है. लोग सोच रहे हैं कि ये एक और जुमला है, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है जुमलों को सुनने की. लेकिन आई थिंक यू हैव सम रिवीलिंग आंसर्स टू गिव, प्लीज सर. बहुत शुक्रिया मेरे से सवाल पूछने का. ये बड़ा दिल पे मेरा बहुत देर से है सवाल. सबसे बड़ी बात है, ये जुमला की बात कर रहे हैं क्योंकि हम फिल्में बहुत देखते हैं, हमको फिल्मों के जुमले बड़े पसंद हैं, तो ये हम हर एक चीज़ को जुमला लेते हैं, पर ये जुमला नहीं है. अगर आप हिस्ट्री पढ़ी होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन वॉर इंडस्ट्री इतनी तगड़ी क्यों थी, सारी प्राइवेट इंडस्ट्री थी, पर इतनी तगड़ी क्यों थी, क्योंकि उन्होंने इनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ था, आर्म्स ऑफ क्रप्स थे या कोई भी जितने भी थे, और उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती थी उनको मेंटेन करती थी पूरा का पूरा, मतलब जो सप्लाई देनी है, और सारी इसका एक किस्म से पूरा आवाम अपने डिफेंस को एक किस्म से ऊपर उठाता था. ये इटली में भी था उन दिनों में, जर्मनी में भी था. पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को हम लोग नहीं सीख पाए. क्यों नहीं सीख पाए? कोई कि हमारे को ये सारी की सारी प्रॉब्लम थी. यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, हालांकि मुझे बहुत शर्म आती है कहते हुए, कि जब 47 में, अब तो 47 की बात आएगी, जब उस टाइम के आर्मी चीफ जो थे तो अंग्रेज़ थे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ अपने बॉस प्राइम मिनिस्टर को मैं थोड़ा सा सलाम करता जाऊँ. उन्होंने फाइल उठाई और कहा कि कॉफ़ी पी के आऊँगा उनके साथ. तो बैठे, उन्होंने बैठते ही बोला, प्राइम मिनिस्टर बड़ा ध्यान रखिए, चाइना बड़ा तगड़ा हो रहा है, वो आपके ऊपर छा जाएगा, आपकी 25 लाख की फ़ौज है उसको कम मत होने दीजिए. उस टाइम हमारी फ़ौज की कीमत जो फ्रेंड्स थी 25 लाख थी. तो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी थे उस टाइम जो उन्होंने ये बोला, क्या फ़ौज, मुझे फ़ौज की कोई ज़रूरत नहीं, चाइना मेरा दोस्त है, मैं तो पुलिस से काम चला लूँगा. ये जो मेंटल थिंकिंग थी, इस मेंटल थिंकिंग ने हमारी थिंकिंग को ये बना दिया, हम तो शांति प्रिय देश हैं, हमें तो लड़ने से क्या मतलब, दुश्मन तो हमारा कोई बनेगा नहीं. और वो ही हमारी जो नीतियों में आने लगी, डॉक्ट्रिन में आने लगी, और बात वही बात हुई. आपके पास देख लिया आपने कुछ बनता ही नहीं था,
जो जहाज चीज बनती थी वो उन्होंने बनानी शुरू करी लाइसेंस प्रोडक्शन, और लाइसेंस प्रोडक्शन जो था वो कभी मर्जी हटा लें, क्योंकि बेसिक तो हम इंजन बनाते नहीं थे। यहाँ तक HF-24 नाम का जहाज मैंने मेरे भाइयों फ्लाई किया है, जो मैक 2.6 जिसकी स्पीड मुकर्रर थी, मतलब उसकी क्लियरेंस थी, पर क्लियरेंस सिर्फ रह गई क्योंकि इंजन नहीं मिला। इंजन क्यों नहीं मिला? हमारे पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, हमें इंजन की मेटलर्जी नहीं समझ आती, और अभी भी यही प्रॉब्लम है। पर उस समय इजिप्ट ने अरेंजमेंट करके दूसरी कंट्री के साथ E-300 इंजन रोल्स रॉयस के साथ मिलकर बनाने की बात करी, जो HF-24 के लिए थी। रशिया को पता चला, उसने कहा अगर ये जहाज आ गया तो हमारे जहाज कौन खरीदेगा। उसने हमारी गवर्नमेंट को बाध्य किया, 3 स्क्वाड्रन ग्राउंड किए, MiG-23 इंडक्ट करवाए। ये जो मामला चल रहा था ये हमारे को दिखा रहा था कि हम डिफेंस में कुछ नहीं हो पाएंगे, पर ये धीरे धीरे इसमें बदलाव आने लगा। ये बदलाव धीरे से आ रहा था, पर मैंने ये देखा है पिछले 9-10 साल के अंदर जिस तंदुरुस्ती के साथ, जिस स्पीड के साथ ये बदलाव आ रहा है। ये डिफेंस कॉरिडोर का नाम तब स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा लेट अस गो बैक एंड चेकअप की बाकी कंट्रीज ने कैसे किया। अब देखिए बात आती है डिफेंस कॉरिडोर की। अगर हमारे डिफेंस कॉरिडोर बनता है 300-400 किलोमीटर के अंदर, चाहे एयरक्राफ्ट एविएशन रिलेटेड, आर्मी वेपन्स रिलेटेड, आर्टिलरी वेपन्स रिलेटेड, जो भी डिफेंस कॉरिडोर बनते हैं, जब डिफेंस की बात आती है फॉरेन टेक्नोलॉजी आती है। जब फॉरेन टेक्नोलॉजी आती है तो अपना लोकल यूथ जो है एम्प्लॉय होता है, उसको नौकरी मिलती है। जब जिस जगह पे डिफेंस इंडस्ट्री बनने लगती है, जैसे जर्मन की स्टडी की गई थी, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट का बताया था, एग्जैक्टली वही होता है। डिस्ट्रिक्ट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करती है, वाटर जब सप्लाई लाइन, रोड, रेल, यहां तक कि एयरक्राफ्ट के लिए एक्स्ट्रा रनवे बनते हैं। और कंट्रीज में जहां रोड्स अच्छी होती हैं वो एयरक्राफ्ट रोड्स पे उतरने की बात होती है, जैसे आपने यूपी में देखा ही है, आपने देखा है कैसे हमारे मिराज इत्यादि जहाज रोड से उतरने के, और हमारे बॉम्बर्स रोड पे उतर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रोड पे उतर रहे हैं और चल रहे हैं। ये काम जो है ये क्या करेगा, लोकल डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लोकल को नौकरी मिल रही है, इंडस्ट्री बन रही है, पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कोई बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, या टेररिज्म एक्टिविटी शुरू हो गई, तो आपका इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स आ सकता है। आपको किसी रनवे पे के लिए वेट नहीं करना, 300 किलोमीटर दूर अगर ग्वालियर है तो वहीं पे आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिफेंस जो कॉरिडोर बन रहे हैं इससे टोटल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट आने वाली है, और ये अभी इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है। जब लोगों को नौकरी मिलने लग जाएगी, स्कूल एकदम से खुलेंगे, हॉस्पिटल्स, खेती के लिए पानी का सब सप्लाई, यहाँ तक कि ये भी प्लान आ रहा है कि अगर बहुत फसल हुई है, फसल को एक डिस्ट्रिक्ट से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना है, आप अपने एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, खेती का सामान उसमें जा सकता है और ट्रांसफर हो सकता है। तो मैं इसके और ज़्यादा इसके व्याख्यान नहीं करूँगा, वो आप देखेंगे। डिफेंस कॉरिडोर अपनी आपकी ताकत बढ़ाएगा, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ाएगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड अवेयरनेस आएगी। ये जो बात है आप खुद देख लेना, आप मेरे ये बात याद रखोगे कि यही होके रहेगा। थैंक यू सर फॉर द सच ए एलैबोरेट एंड प्रिसाइज आंसर टू द क्वेश्चन, बट ऑल्सो इट इज आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन वन अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। Where do you see Indian Air Force heading at this point of time when we have Asia Pacific under turmoil? We have northern neighbor hovering with a intent, if not the intention, it may be their intent, but where they are heading. And at the same time, the नेबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इंडिया, माँ भारती के नक्शे पे जो लेफ्ट में एक नेबर है, वेयर इंडियन एयरफोर्स कैन गो फॉर द किल। आपने बिल्कुल ठीक बोला, इंडियन एयरफोर्स की बात आ रही है, वो जो शुरू में बात थी मैं ऐड करना चाहता था, मैं अभी मौका लेके ऐड कर देता हूँ कि जिस कंट्री के पास में एयर पावर नहीं होती या कमज़ोर होती है,
उसकी हार होना मुकर्रर है। आपने बैटल ऑफ लोंगेवाला देखी थी, एंड एनिमी टैंक घुसाए, 6-7 एनिमी टैंक घुसाए, पर कोई एयर कवर नहीं थी। आपके पास 1.5 हंटर थे, एक हंटर फाइटर और एक ट्रेनर। उन्होंने 2 दिन के अंदर, तीसरे एयरक्राफ्ट आया सेकेंड डे, 56 टैंक्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अब आप बताइए कैसे, जब आपके पास एयर पावर नहीं होती तो जिस तरीके से जो चूहा जमीन पर भाग रहा होता है और हॉक आके उसके ऊपर बाज जो चीट झपट्टा मारती है, एग्जैक्टली वही होता है। आप एयर अटैक से नहीं बच सकते। जिसके पास एयर पावर नहीं है, अगर वो टैक्टिकल बैटल एरिया में विदाउट एयर पावर जा रहा है, उस वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। जिस जिस नेवी ने बिना एयर पावर के ऑपरेशंस किए, उसकी हार हुई। आर्मी ने बिना एयर पावर के, सो एयर पावर को जो जो कमियां थी हमारी हमारी कंट्री ने देखनी शुरू कर दी। और HF-24 की जो मैं बात कर रहा था, वहीं से मैं आपका स्टार्ट करता हूं कि जब हमने देखा कि अब हमने अपना इंडिजनाइज एयरक्राफ्ट बनाया, 1967 में बन के तैयार हुआ, जिसको कि एक जर्मन डिजाइनर ने बनाया, जो इतना उम्दा जहाज था जिसने सेबर शूट डाउन किए 71 में, उसको जबरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर में डाला। क्यों पॉलिटिकल प्रेशर में हम डल जाते हैं? क्योंकि जब आपकी स्थिति फौजी कमजोर होती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर होती है। जब आपकी मिलिट्री स्थिति तगड़ी होती है, फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होती है, और यही हुआ। पर अब ये हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली देख लिया है। उन्होंने कहा जो हो के ना हो, हमने अपनी एयर पावर को बढ़ाना है। और अब एयर पावर में आप देख रहे हैं कि कमियां आ रही हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में। कमी क्यों नहीं आएगी? हम कुछ बनाते नहीं थे। हमारे पास 12 स्क्वाड्रंस की कमी है, 12x18 देख लीजिए। अब 42 होने चाहिए, मेरे हिसाब से 45 होने चाहिए। वो 42 नंबर दिया है, हमारे 30 से कम रह गए, 28 रह गए हैं। अब आप बताइए, आपके पास में 200 स्क्वाड्रन वाला चाइना बैठा है, 20 स्क्वाड्रन वाला पाकिस्तान बैठा है। टू फ्रंट वॉर में आप अपने इन 22 स्क्वाड्रन के साथ क्या कर लोगे? इसीलिए हमने जल्दी से जल्दी, भारतीय गवर्नमेंट ने एकदम कहा कि हमको इंडक्ट करने एयरक्राफ्ट सुखोई आए। जिस दिन गलवान में अटैक हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहीं थे उस समय। उसके अगले दिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर स्टेट अवे रशिया गए एक प्रोग्राम अटेंड करने, 29 सुखोईज एंड 32 MiG-29 का ऑर्डर दे के आए, इसीलिए ताकि हमको अपनी कमी जल्दी से जल्दी पूरी हो। पर जब रफाल का डील पूरी हो गई, चल तो बड़ी 15 साल से रही थी, 20 साल से, पर जब अब पूरी हो गई, अब उसके बाद आप प्रधानमंत्री गए, पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स गए, GE-414 का इंजन को, उन्होंने कहा हमें इंजन जल्दी से जल्दी चाहिए, ताकि हमारे एयरक्राफ्ट में इंजन जब तक नहीं होंगे तो जो सप्लायर होगा हमारे को ठेंगा दिखाएगा कि हमारा चीज डबल करो। कारगिल वॉर में आपके पास में जब एम्यूनिशन खत्म हो रहा था, सोने के भाव खरीद रहे थे। तो ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है अब नहीं होगा। तो एयर पावर, इसलिए मैं कह रहा हूं बिना एयर पावर की लड़ाई होती नहीं है। तो एयर पावर तो आपको बहुत जरूरी है, पर अगर आपके पास में इंजन बनना शुरू हो जाएगा तो आप खुद अपना एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और बनाएंगे नहीं, अगर आपने अपने आंकड़े ठीक से पढ़े हो, सिप्री ने हमारे को कहा है कि मैक्सिमम स्पेंडर ऑन इंपोर्ट इंडिया है, और अब पिछले 4 साल में 11% ड्रॉप हुआ है, क्योंकि हमारी नीति चेंज होने लगी है। अब क्या हो गया है कि हम इंपोर्ट में, तो अब जो इंडिजनाइजेशन, जो स्वावलंबी भारत के दो एम होते हैं, एक तो आप अपना सामान खुद बना रहे हो, दूसरा जो बनाते हो उसको बेच के एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसा मिलता है। पर अगर आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे और सिर्फ बेचने के लिए दूरबीन बना दी या ऐसी वैसी चीजें बना दी, पैसा तो आएगा पर आपका दुश्मन नहीं रुकेगा। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी एयर पावर की आ रही है। तो फिर फ्रांस में गए प्राइम मिनिस्टर, वहां पे उन्होंने रफाल की बात करी, रफाल एम, जो अब नेवी के लिए आ रहा है, उसके मैं व्याख्यान नहीं करूंगा, वो आपको पता है। पर उसका इंजन जो है अब हम बनाएंगे। साफरान कंपनी ने कहा हम आपको इंजन बना के देंगे जिसकी पावर और भी ज्यादा होगी, जिस जो आप मांग रहे उससे भी ज्यादा होगी, और वो आप इंडिजनाइज मैटर में बनाएंगे, वो हमारे डिफेंस कॉरिडोर में बनेगा। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो डिफेंस कॉरिडोर का महत्व है, ये कितना लंबा जाएगा। और उसके बाद में आपका
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, स्पेन के साथ में आपका साझा हुआ है, फ्रांस के साथ हो रहा है, और भारतीय फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, जहां हमें जरूरत है वो हम करेंगे, पर जब आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी हो जाती है, क्योंकि फौज तगड़ी, आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी तगड़ी होती है, फिर आप ये डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसीलिए जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रशिया पर सैंक्शन पड़ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू साइन दैट पेज, G7 में बोला, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब ताकत है तुम्हारी, अब तुमको कोई नहीं दबा सकता। तो ये जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रकाश साहब, दिस 2047 में यू विल बी मेकिंग योर ओन इंजन्स, योर स्क्वाड्रन्स विल बी कंप्लीट, यू विल बी नाउ, आपने कहा साउथ चाइना सी में जो बात हो रही है, लेट सिंचो आबे जो जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जाते वक्त ये बोला था अपने स्वर्गवास होने से पहले कि इंडिया को लीडरशिप ले लेनी चाहिए एशिया पैसिफिक जोन की, यानी कि राइट फ्रॉम मलक्का स्ट्रेट डाउनवर्ड्स टू चाइना, टू जापान, साउथ चाइना सी इत्यादि। क्यों? क्योंकि चाइना हावी हो रहा है, 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से जाती है, 40% ऑफ चाइनीज ऑयल सप्लाई फ्यूल पासिस फ्रॉम दैट। चाइना सबको दबाने की कोशिश कर रहा है, ब्रुनई, ताइवान, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज हैं, फिलीपींस, साउथ कोरिया। पर अब जब भारत की ताकत बढ़ रही है, हम क्वाड्स ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हम अपन रफाइल खुद बनाएंगे, उनके हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरा बन रहा है और बन के तैयार हो गया है, 60,000 टन वाला बनने वाला है। जब ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, आप देखेंगे कि हमारी चाहे एयर पावर ऑफ एयरफोर्स हो या नेवल एयर हो, ये सारी मिलके अपने आधिपत्य जमाएंगी बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलके, और साउथ चाइना सी और जैसे कि आपने कहा एशिया पैसिफिक जोन में अपना अधिकार करके दिखाएंगे। थैंक यू सर फॉर दैट एलैबोरेशन एंड अपॉर्चुनेटली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री को जानना, हिस्ट्री को जो याद रखता है वही भविष्य में अपने सितारे बुलंद करता है। बोथ द जनरल्स आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो ये सवाल लाजमी भी है और पर्टिनेंट भी है कि क्या पावर है अमेठी के फैक्ट्री का, जो कि अमेठी में गन फैक्ट्री है, पहले तो उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी अहमियत क्या है, उसके हिंदुस्तान के लिए यूटिलिटी क्या है, और उसकी मारक क्षमता क्या है, उसका एक्सपोर्ट मार्केट क्या है, इफ़ यू कैन एलैबोरेट, बिकॉज दैट विल ब्रिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ इन अमेठी एंड अराउंड। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव एक फैक्ट्री, बड़ी मारुति फैक्ट्री यदि हरियाणा में नहीं आती तो शायद हरियाणा इंडस्ट्रियलाइज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट और स्मॉल स्टेट में सबसे आगे नहीं होता। तो आई थिंक अमेठी में यदि गन फैक्ट्री आ रही है तो क्या उसका प्रारूप है, स्कोप है, एंड वेयर डू वी सी द एक्सपोर्ट मार्केट? आई वॉन्ट टू आस्क बोथ द जनरल टू गिव योर ओपिनियन, विद जेटली, जनरल जेटली फर्स्ट। ओके, एक्चुअली अमेठी जो ये हमारी राइफल बन रही हैं वहाँ पर, इसका मेरे हिसाब से जो अभी आंकड़े वगैरह घूम रहे हैं, काफ़ी सारे पीपल हैव सेड कि इंडिया में ही कोई लग जाएंगी, मेरे हिसाब से कोई 2-3 लाख शुरू में और बाद में कोई 10 लाख के करीब वाली जो निकलेंगी जो राइफल होंगी, ये इंडिया में ही लग जाएंगी। पर अभी इसके साथ साथ क्या करना है, इनको बाहर भी बेचना है, क्योंकि अगर ये बेचेंगे नहीं तो इनको ये जो फैक्ट्री में इनको सारा सामान मिल रहा है, देर आर पीपल हु आर कमिंग हेयर टू यू नो स्टार्ट दैट फैक्ट्री, देर आर लॉट ऑफ अदर गाइस हु यू नो छोटे छोटे पिन बनाने, ये करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे यहाँ बनती हैं पर वो ठीक नहीं सफल हुई, क्योंकि 5.56 बनती थी ईशापुर में और ऐसे था तो वो ठीक से नहीं हुई। तो अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ ऑल दैट गैजेट्री विच इज़ टू कम एंड इट्स गोइंग टू यू नो बी सप्लाइड टू नॉट ओनली इन इंडिया, इट विल गो टू से पीपल अक्रॉस द कंट्री। तो कम से कम मेरे हिसाब से मोर देन 10 लाख से ज़्यादा तो अभी का ही ऑर्डर है इनका, तो ये इट विल टेक लिटिल टाइम बट इट विल कम। एक्चुअली हाँ, इसी में जो जनरल जेटली साहब ने बतलाया, थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूँगा
क्योंकि ये सिर्फ आपको अमेठी के रूप में नहीं देखना चाहिए, यूपी को जो डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है उसको पूरा अगर आप देखें तो ये तकरीबन पूरा उत्तर प्रदेश ही कवर करता है। आप अलीगढ़ से आगरा, कानपुर, इटावा, लखनऊ और अमेठी तक ये पूरा एक कॉरिडोर आएगा, जिसमें कि जितने भी हथियार छोटे या बड़े ये सब जो हैं इसी कॉरिडोर में इनकी कंपनियां, इनकी फैक्ट्रीज जो हैं लगाई जाएंगी और यहीं पर सारा प्रोडक्शन होना है। एक डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है साउथ में, लेकिन साउथ में उतनी जगह नहीं है जितनी कि यूपी में है। तो ये आने वाले साल में, जैसे कि विंग कमांडर बख्शी जी ने भी बताया कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, साथ में एक्सपोर्ट, जनरल जेटली जी ने भी बोला कि अब लखनऊ का ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी काम चल रहा है बनने का और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में इसका रोल आउट भी शुरू हो जाएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल और छोटे हथियार से लेकर ये हम लोग अब अपने ही आत्मनिर्भर के लिए भी बना रहे हैं, साथ में एक्सपोर्ट। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल तकरीबन 13,000 करोड़ की आमदनी हुई थी हमारे, हम लोगों ने हथियारों को एक्सपोर्ट किया था और इसका टारगेट आने वाले समय में तकरीबन 35,000 करोड़ का रखा गया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के उसमें। तो उसमें सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो ये काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं यूपी बेल्ट में और इसका फ़ायदा यहाँ की लोकल पॉपुलेशन और यूपी को सबसे ज़्यादा होगा। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनने में यूपी को काफ़ी मदद करेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट यू सेड दैट यूपी इज़ ऑन कस्प ऑफ वेरी क्लोज टू बी $1 trillion इकोनॉमी बन जाएगी विद डिफेंस प्रोडक्शन दैट विल हैपन एंड श्योरली एज आवर विंग कमांडर सेज दिस रिक्वायर्स अ रियली हैव अ गुड क्लैप, a very good appreciation for people of Uttar Pradesh. Jo talent Uttar Pradesh mein tha wo shayad ab hum unki painapan bhi hum unko milega. I think intellectually jo talent tha, hard work jo Uttar Pradesh mein hota tha, ab shayad wo talent ab marak shamta mein bhi Bharat ke liye bahut acha yogdan aur Bharat ke liye bahut acha input add karega. Economy zarur important hai aur jab Uttar Pradesh ka $1 trillion economy hoga sir to Bharat $5 trillion इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म में $30 trillion इकोनॉमी पांचवें जगह से पोजीशन से तीसरे पोजीशन तक विल ब्रिंग रियली बिग प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस ऑन द जो भारत के हैं, भारतवंशी हैं या जो भारत के पूरे भारत के लोग जो पूरी दुनिया में, इट विल बी द प्राउडेस्ट मोमेंट टू बी द 3rd largest इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जनरल Discipline is what you all are known for. लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि discipline important है defense में, army में, navy में, space में, air force तो ज़रूर, लेकिन लड़ाई के भी उसूल होते हैं। विंग कमांडर साहब, मैं आपसे इसलिए ये सवाल भी करना चाहता हूँ, we all have learned that the art of fighting is important, but the way of fighting is equally important. Let us also get your wisdom on. You are also with Red Cross Society as a military advisor. थोड़ा सा लोगों को बताएं कि लोग सोचते हैं कि killer instinct, हमने अभी सुना था थोड़े समय पहले कि हम तो पुराने ज़माने में चले गए और लकड़ी पे हमने वो तार लगाई और हमने fight किया और ये किया. But the rules of the game are very distinct and very clear worldwide. You work for also International Committee of Red Cross. Give us some insight with reference to the questions that I have highlighted, sir. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. मैं ये आपको बताने को आप अपने दोस्तों को कि International Committee of Red Cross में मैं 96 से हूँ और मैं वर्ल्ड इंस्ट्रक्टर हूं उनके जिनीवा के लिए. मैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ पढ़ाता हूं. ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैं ये युद्ध के सिद्धांत, युद्ध के नियम. अब युद्ध के नियम में ये मतलब ये है कि ये इसका मतलब ये, मैं इसकी हिस्ट्री नहीं जाऊंगा पर बता दूंगा आपको कि एक कमांडर के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य सोचना और जानना कि लड़ाई के तरीके और लड़ाई के अस्त्र शस्त्र मेरे लिए असीमित नहीं है. दे आर नॉट टोटल, देर आर
लिमिटेशंस इम्पोज्ड, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगे हैं। ये जब मैं बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैं जिनीवा में था, मैंने कहा ये कौन सी नई बात आप बता रहे हो। ये कहते हैं, वो कहते हैं 1859 में लड़ाई हुई और हमारे एंड्री डुनांट ने ये सोच के ये रूल बनाए, उसने एक बड़ी भयंकर लड़ाई देखी सोल्फेरिनो में। मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, आपने जिनीवा कन्वेंशन बनाए जो ये बताता है कि कौन सी लड़ाई की पद्धति गलत है, कौन से अस्त्र गलत हैं, इत्यादि इत्यादि। पर मैंने कहा ये तो बहुत पुरानी बात है, तो वो उनको पता तो था पर वो उसको अन्य जाना व्यक्त कर रहे थे, जैसे कि उन इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। पर उनमें से एक बड़ा लर्नेड प्रोफेसर था, इसने कहा यस विंग कमांडर बख्शी, वी नो अबाउट महाभारत। मैंने कहा इफ यू नो महाभारत का आपको पता है युद्ध के नियम थे, आज से 5000 साल पहले युद्ध के नियम होते थे और बड़े ज़बरदस्त थे। तो मैं आप लोग से नहीं पूछूंगा, पर मैंने सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछा कि अपनी क्लास में पूछता हूं कि ये युद्ध के नियम में कौन सा नियम है, महाभारत की बात होती है तो कहते हैं रात को अंधेरे में लड़ाई नहीं करेंगे अंधेरे में। तो मैं एकदम से पूछता हूं आप लड़ाई क्यों नहीं करेंगे अंधेरे में, तो कहते हैं कई लोग गलत जवाब देते हैं कि थक गए होते हैं या घायलों की मदद करनी होती है। पर असली आंसर कई लोग दे देते हैं कि अगर आपको दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा तो आप किस पे हमला करोगे, या तो आप सिविल किसी किसान को मार दोगे या अपने लोगों को मार दोगे। ये जो युद्ध के नियम हैं ये जिनीवा कन्वेंशन 1, 2, 3, 4 में लिखे गए हैं, जिसको कि जमीनी लड़ाई, समुद्री लड़ाई, प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे प्रतिबंधित प्रतिबंध जो जो लड़ाई में पकड़े जाते हैं वो उनके लिए और सिविलियंस के लिए, ये सबसे बड़ी चीज़ हमारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज में सिखाई जाती है। और जनरल जेटली भी मेरे साथ में थे, और सबसे बड़ी चीज़ है आप लड़ाई कर रहे हो, फाइट यस जी, हम कोई नहीं पूछते आप लड़ क्यों रहे हो, पर अगर आप लड़ रहे हो तो आप ठीक से लड़ोगे, कुश्ती कर रहे हो तो अपने नियम से करोगे, बॉक्सिंग कर रहे हो अपने नियम से करोगे, लड़ाई कर रहे हो उसमें भी कुछ नियम हैं। क्या नियम है, जो घायल हो गया है उस पर हमला नहीं होगा, जो कि सरेंडर कर रहा है उसका आप सरेंडर लोगे, वुमेन बच्चों पे हमला नहीं करोगे और ऐसी जगह अटैक नहीं करोगे जहां सिर्फ सिविलियन हो, टारगेट ना हो। पर मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसलिए पूछा गया है क्या इसके फॉलो हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कई कंट्रीज इसका उल्लंघन कर रही हैं, आपने यूक्रेन में देखा इसका उल्लंघन हो रहा है, आपने कई वियतनाम में सबसे ज्यादा उल्लंघन देखा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा उल्लंघन देखा था। क्यों, कि कोई पकड़ने वाला नहीं था, सिर्फ रूल लिख दिए आपने, कंट्री ने साइन कर दिया पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो ये जो चीज़ है ये अभी हमारी वीकनेस है, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉज सबने साइन किए, हिंदुस्तान ने भी साइन किए हैं 1950 में और हमने पार्लियामेंट में रेटिफाई कर दिए, ये सारे के सारे रूल पीनल कोड में आने लगे IPC, पर फिर भी अभी भी जब उसका उल्लंघन होता है तो उसकी प्रूफ करने की बात होती है कि कैसे प्रूफ किया जाए। तो भारतीय फौज को यह देखा गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं 37 कंट्रीज में जा चुका हूं, यूक्रेन को मिला के बेलारूस सारे सारे, मैंने उनको सबको और सब ने एग्री करते हैं कि जहां भारतीय सेना लड़ती है वहां पे उनका असाधारण व्यवहार होता है, इसमें कोई बात नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि ये हमारे हजारों साल से हमारी सांस्कृतिक पद्धति है, ये कोई हमने आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमें कोई सिखा नहीं रही है, तो इस बात पे वो एग्री करते हैं। और इसीलिए मैं बताने की कोशिश करूंगा प्रणब प्रखर साहब को कि हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उल्लंघन हो रहे हैं, उसमें भी अभी बड़े ठीक ठाक करना है। एक और मैं अभी बता दूं आपको, एक है जिनीवा कन्वेंशन NMOD, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर मिलिट्री गेन्स, यानी कि वियतनाम में अमेरिका पकड़ा गया था, वो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्रिएट कर रहा था दुश्मन को हराने के लिए, या आर्टिफिशियल रेन आप लाइए ताकि दुश्मन डूबने लग जाए, ये जो है इसके ऊपर सबने साइन किए हैं। और ऐसी जगह अटैक ना करो जिसके डिस्ट्रक्शन से इतना डिस्ट्रक्शन हो जाए कि सारी जो ह्यूमैनिटी नष्ट हो, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट और डैम्स, डैम्स पे हमला नहीं होगा।
आप कोई अपना वेपन डैम पे नहीं रखेंगे, सिर्फ डिफेंसिव वेपन रखेंगे, ऑफेंसिव वेपन नहीं रखेंगे। ये रूल है जिनेवा कन्वेंशन में, पर कई कंट्रीज नहीं फॉलो करती, कई करती हैं। और दूसरी बात, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ अंत में, सब वेपन्स में प्रतिबंध लगाया जाया, क्लस्टर बॉम्ब्स की बात आ रही है, अभी रशिया और अभी अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब दे रहा है, और 2008 में क्लस्टर बॉम्ब हैज बीन बैंड इन डबलिन। अजीब बात है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को पता हो, न्यूक्लियर वेपन लीगल वेपन है, इसको किसी ने बैन नहीं किया। और आप पूछ लीजिए अपने आप से कि क्यों नहीं हो रहा, क्या बात है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा, ना रशिया चाहता है ना अमेरिका चाहता है, और फिर भी प्रतिबंध लोगों पर लगाना चाहते हैं। प्रखर, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर द एलैबोरेशन एंड पुटिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस ऑन डिटेलिंग एंड माइक्रो डिटेलिंग आवर इंडियन डिफेंस एंड एट द सेम टाइम टॉकिंग अबाउट हाउ टू डिफेंड द मदरलैंड। We are coming close to this segment, and before I move further, कुछ felicitations हैं। आप लोग तीनों हमारे celebrity हैं, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों की आशाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, the people get inspired by you, and there are few youths who have been working tirelessly to make this program a success. मैं तो सिर्फ face हूँ sir, but all the people who are behind, they are some amazing people, they have worked tirelessly and just supported me. और उसके बाद फिर मैं हमारे एडवाइज़र राजकुमार भदौरिया जी से कहूँगा कि हमारे तीनों गेस्ट का सम्मान करेंगे विथ ऑल थ्री ऑफ। जितने लोगों को हमने सम्मान किया, प्लीज़ आइए।